कामठी जिले के खैरी में बिना रॉयल्टी के रेत ले जा रहे ट्रक के खिलाफ कामठी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल 15,40,000 का सामान पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। कामठी जिले से बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी शुरू है। इसी तरह तालुका के कन्हाना और सुरनदी घाटियों से रेत की खुदाई और अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। नागपुर खैरी से बिना रॉयल्टी के रेत ले जा रहा एक ट्रक बुधवार को खैरी में मिला। कामठी डीबी पथक ने ट्रक का निरीक्षण किया और बिना रॉयल्टी की रेत पाई। पुलिस ने इस ट्रक को जब्त कर ट्रक से 40,000 की रेत और ट्रक ऐसा कुल 15,40,000 का सामान जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। कामठी पुलिस के अनुसार रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की गई है और ऐसी कार्रवाई बिना रॉयल्टी रेत की तस्कर पर की जाएंगी, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। काल दिनांक 8 तारखेला आमचे डीबी पथक पेट्रोलिंग करता असताना त्यांना खैरीच्या तिकडे पलीकडे साईडला एक गाडी ट्रक चाललेला होता, त्याला चेक केला असता त्याच्यामध्ये बिना रॉयल्टीची रेती मिळाली। त्यावर आमच्याकडे आणून त्याने अपराध क्रमांक 183/2022 प्रमाणे कलम 379/9 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सदील गुन्ह्याचा तपास आमच्याकडे देण्यात आला आहे वर्षाच्या आदेशावर। तरी सध्या एकंदरीत जो मुद्देमाल आहे ही वाळू आहे 40,000 आणि ट्रकची किंमत आहे 15 लाख आणि एकूण असा 15,40,000 माल मुद्देमाल जप्त केला आहे। एकंदरीत आरोपी जे वळमाफी आहे यांच्यावर रोचकपणेसाठी सदर कारवाई करण्यात आली। रॉयल्टी चेक करून वगैरे बिना रॉयल्टीचे जे गाड्या भेटतील वगैरे काय भेटतील जे उत्पन्न करतात कोणकोणी कायद्याचं उल्लंघन करतात त्याच्यावर कारवाई चालू आहे आणि पुढील तपास आम्ही व्यवस्थित प्रकार करतो वर्षाच्या मार्गदर्शनाखाली। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।